हमारे साथ कुंडा के मौजूदा विधायक रघुराज प्रताप सिंह है, जो सत्ताधर के राष्ट्रीय विधायक जी, अध्यक्ष जी, ये लोग ये पूछ रहे हैं, एक मिनट भैया, कि इस बार राजा भैया ने किनको वोट किया, क्योंकि इस बार तो आपने न्यूट्रल रहने का फैसला किया, तो लोग जानना चाह रहे हैं कि राजा भैया का इस बार मत किधर है, नेशन फर्स्ट है, पहले कौशाम्बी, प्रतापगढ़, कुंडा। हर चुनाव में हर बार हमारे अनुरोध पे, हमारे कहने पे, हमारे सभी समर्थक, हमारे कार्यकर्ता मतदान किया करते थे। इस बार हमारे समर्थकों ने हमसे जहां कहा है वहां हमने मतदान किया। सर, तो इस बार का लहर कैसा है सर? राजा भैया, सर, हो गया सर, तो ये राजा भैया हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और था सर, जो पूरा देश जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश, कि इस बार का लहर आप उत्तर प्रदेश में कैसे देख रहे हैं, जब इस बार कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद को लेकर सहनशाह सहजादा। राजा साहब, हमारा नहीं हुआ है। तो देखिए कि राजा भैया हैं और कह रहे हैं कि जहां उनके समर्थकों का जो उनका सलाह था उधर ही उन्होंने मत किया है। उन्होंने एक बात स्पष्ट कही कि मौजूदा प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजनीति में संकेत बहुत साफ है, मायने साफ है। कौशाम्बी के चुनावी नतीजे तय करेंगे 4 जून को कि राजा भैया का कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में फैक्टर क्या रहा है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, News 24, कुंडा। महाराज जी, आज आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आज वोटिंग के दिन? बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा जिस पर आज मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक इसका दे दें। देखिए, जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। प्रतापगढ़ लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक, कार्यकर्ता, शुभचिंतक हैं, सबसे हमने यही कहा। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ही हमसे पैदा होते, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी, 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये।